उत्कल जी नमस्कार। ये अश्रू माता का स्थान है पृथ्वीपुर का, तो क्या है यहाँ की आस्था और इतिहास शॉर्ट में बताएंगे आप? हाँ, ये है साहब यहाँ का इतिहास कि 800-400 वर्ष पहले, माने चार पीढ़ी पहले, अश्रू नाम के यादव की भैंसें खो गई थी और वो 4-6 दिन भैंसें खोजते खोजते परेशान हो गया था। जंगल में खोजते खोजते यहाँ एक खैर का पेड़ था, उसके नीचे वो आलेटा थक गया था और अपने साथ में एक बर्छी लिए था जो लकड़ी में लगाई जाती है, लोहे की बल्लम कहते थे वो। फिर उसको शब्द हुआ कि अश्रू तुम्हारी भैंसें बिसागर के तालाब में हैं, वहीं तुम्हारी बल्लम है, यहाँ हम कुंड में देवी जी हैं, तुम हमारे पंडा बनो और भैंसे ऐसे चलाना छोड़ दो, हम तुम्हारी मनोकामना और क्षेत्र की मनोकामनाएँ पूर्ण करेंगे। जब उसकी नींद सी खुली तो उसने बल्लम पास में नहीं देख मिली तो बिसागर के तालाब गया, वहाँ उसको उसकी बल्लम और भैंसें मिल गई। घर जाके लोग बागों को उसने एक किस्सा सुनाया, सब लोग एकत्रित होकर उसके साथ आए, कुंड की साफ सफाई की। साफ सफाई करने के बाद कुंड सबको मिला, उसमें जल भरा था, उसने पंडा बन के प्रार्थना की तो हुक्म हुआ। हुक्म जैसे हुआ है लोगों ने याचनाएं करना शुरू की और उनकी याचनाएं पूर्ण होने लगी। जब याचनाएं पूर्ण होने लगी तो जागृति होने लगी, अश्रू पंडा बन गए और सब लोग आने जाने लगे। आज भी 400 वर्ष पहले उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ की सेवा पूजा करते हैं, याद भी कहते हैं अश्रू नाम के यादव, और अश्रू यादव का नाम था इसलिए अश्रू की माता की हटा दिया आगे बीच में से, अश्रू माता हो गया। ये है यहाँ की मान्यता और देवी जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो जिस आस्था से आता है कभी अधूरी नहीं रहती है। बोलो अश्रू माता की जय, जाके अम्बे अम्बे गाएंगे अश्रू माता लो, अपनी बिगड़ी को बनाएंगे अश्रू माता लो, परम पवित्र पहाड़िया ऊपर पाछे में प्रगटानी, और अमृत जैसो काम करते हैं कुंडी में को पानी, अनुपम चरणामृत को पाएंगे अश्रू माता लो, अपनी जिगरी को बनाएंगे अश्रू माता लो, अधिक उदार अंबिका ब्राजी सबकी लज्जा राखें। और प्रसाद क्या है, गरी सुपारी जवा चिरौंदी खरदी दे दे दाखें, भीतर मन में तो सुनाएंगे अश्रू माता लो, अपनी बिगड़ी को बनाएंगे अश्रू माता लो, पंडित आवे मूरख आवे वहा हा विनय सुनावे, और देश देश के आवे राजा मनवांछित फल पावे, हम भी चिंता को मिटाएंगे अश्रू माता लो, अपनी बिगड़ी को बनाएंगे अश्रू माता लो, आदि शक्ति कह अलख ज्योति कह वेद पुराण बखाने, और धर धर ध्यान रच रच गाने छेड़त रस रंग ताने, सजें सागर सोतर जाएंगे अश्रू माता लो, अपनी बिगड़ी को बनाएंगे अश्रू माता लो। यहाँ एक सुंदर तालाब जभी से निर्माण हुआ था देवी जी के नाम से, तो सागर सा सोहे कमल शोभाय पार्व है, उतरल तलैया सुधा सरसानी है, वो कर दई की वाटिका वहार दार वारों माय, करनी कमाल कल्प कलसी सुहानी है, कहते रस रंग सन शैल बीच ब्राज रही, वो जानो चाहे जानो ना है मैं तो पहचानी है, क्या बड़ी वरदानी बड़ी अखट कहानी, वो बड़े देवन ने मानी आज अश्रू भवानी है। बोलो अश्रू मैया की जय। यही तो है सन 73। क्या नाम है? मेरा नाम हर नारायण रावत है। हाँ। सन 1973 से मैं मंदिर के पास ही निवास करता हूँ, यही मेरा गांव है। और मंदिर के निर्माण का जो है, जब देश स्वतंत्र हुआ
ग्राम स्वराज्य चालू हुआ तब यहाँ केवल पत्थर की रेखा थी, कोई छाया नहीं थी। ग्राम स्वराज्य के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ जो आज भी अनवरत चल रहा है। कौन से सन में? 1954 से शुरू हुआ था। 1954 से जब देश स्वतंत्र हुआ, ग्राम स्वराज हुआ, ग्राम को अक्षी माता मंदिर, ग्राम पंचायत को ये मिली, जब ग्राम सभा कहलाती। तो 1950 में लगभग मंदिर पे लोग आने लगे होंगे? मंदिर पे तो लोग आ रहे हैं सब, जब से अखिल को मिली चार ही पीढ़ी पहले से, लेकिन पत्थर की जनखर थी जब। लगभग कौन सा सन चल रहा होगा? सन चल रहा होगा 1600 के राम राजा आए थे, 1600 ईस्वी चल रही थी लगभग। महाराज धन्यवाद। ये माँ शैलपुत्री है, प्रथम नवरात्रि में विराजमान होती हैं। ये माँ ब्रह्मचारिणी देवी है, द्वितीय नवरात्रि में विराजमान होती हैं। ये नवरात्रि की तीसरी माता है चंद्रघंटा देवी। ये नवरात्रि की चौथी देवी है कुष्मांडा देवी। ये नवरात्रि की स्कंद माता देवी हैं, पांचवी देवी। ये नवरात्रि की छठी माता है कात्यायनी देवी। ये माँ कालरात्रि देवी हैं, सातवीं की। ये नवरात्रि की आठवीं देवी है माँ गौरी देवी। ये नवरात्रि की नवी देवी है सिद्धिदात्री देवी। ये गणेश भगवान विराजमान है, सिद्धि विनायक जो प्रथम पूजा होती है जिनकी। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, अश्रु माता, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़।